किसी से भी कम नहीं, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, वह हर समय किसी भी मुकाबले के लिए तैयार रहती हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर से, जहां छात्राओं ने छेड़छाड़ करने वाले मंचले को सबक सिखाया। पब्लिक के साथ मिलकर उनकी जमकर धुनाई की। इस दौरान मंचला पिटता रहा और हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन छेड़खानी से तंग आ चुकी लड़कियों ने हिम्मत करके ना सिर्फ पीटा बल्कि पुलिस के हवाले भी कर दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर में सुखदेव इंटर कॉलेज की 11वीं की दो छात्राएं मंचले की छेड़खानी से परेशान आ गई थी। इन छात्राओं ने इसे सबक सिखाने की ठान ली। छात्राओं ने बताया कि एक महीने से लगातार यह लड़कियों को छेड़ रहा था और उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। पुलिस ने मंचले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि महिला जागरूकता अभियान के तहत स्कूल कॉलेजों में जाकर लड़कियों को जो जागरूक किया गया था, उसी का नतीजा है कि इन लड़कियों ने इस मंचले की पिटाई की है और इस मंचले को सबक भी सिखाया है। क्या नाम है आपका? अंशु। तो बताइए क्या मामला है, ये जो आज मंचला पकड़ा है? ये आदमी हमें करीब दो ढाई महीने से परेशान कर रहा था। हमने बहुत दिनों से हम इससे परेशान हो गए थे, कॉलेज आना जाना बिल्कुल हमारा बहुत परेशान हो गया था। तो हमने ये करा कि ये आज आ रहा था तो हमने इसे देख लिया, इसने हमें आज भी परेशान किया। और हमने अपने वहाँ पे हमने इसे पकड़ा और हमने पब्लिक की सहायता से हम इसे पुलिस थाने लेकर आए। तो इतनी हिम्मत कैसे आई आपके अंदर? हमारे कॉलेज में इस मामले में हमारे कॉलेज में एक बार बता चुके हैं कि अगर आपको कोई भी कुछ भी परेशानी हो तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और वहाँ पे अपने मतलब उसका सामना करना चाहिए, उसे पकड़कर और पुलिस के हवाले करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यही बताया हमने, यही सब किया। हाँ सर बताएं जो आज ये दो छात्राएं हैं, सुखदेव इंटर कॉलेज की दो छात्राएं हैं, रहने वाले गांव पड़ता है हमारे थाना क्षेत्र में रामपुर को, वहाँ की रहने वाली हैं। प्रत्येक दिन अपने कॉलेज में आती हैं। इनको पिछले कुछ दिनों से एक मंचला आए दिन मोटरसाइकिल पे इनका पीछा करता था, परेशान करता था। इसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे नारी सुरक्षा माह, इसके अतिरिक्त स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों को जागरूक करना, एंटी रोमियो स्क्वाड टीम हमारी लगातार एक्टिवेट रहती है, उसी से प्रेरित होकर इन बच्चियों ने आज साहस दिखाया और गजरौला तिराहे पर रामपुर घूट की तरफ जाने वाले रास्ते पर इस मंचले को पकड़ लिया। ये मंचला एक दिन पीछा करता था, उसको पकड़ करके थाने पर लेकर के आए हैं। तहरीर दी जा रही है, जो तहरीर दी जाएगी उसके हिसाब से अभियोग पंजीकृत कर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।